Dear students, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. In this video, we are going to learn about similes. Dear students, इस वीडियो में हम लोग simile को डिटेल में सीखेंगे. Simile एक figure of speech है, जिसका use होता है comparison करने के लिए. दो चीजों के बीच comparison, जिसकी qualities same होती है, हम लोग simile का use करते हैं. प्रायः हम लोग as का use करके comparison करते हैं. Structure होता है as एक वर्ड, फिर एज, फिर नेक्स्ट वर्ड, और ये दोनों वर्ड के क्वालिटी को कंपेयर करते हैं सिमिली में. तो पहला हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं. पहला सिमिली, एज ग्रीन एज ग्रास. क्या मतलब होगा इसका? ग्रास, घास, ये प्रायः ग्रीन होता है, और हमने टर्म पहला वर्ड यूज किया है ग्रीन, यानी घास की तरह ग्रीन. इसका मतलब होता है वेरी ग्रीन. ट्रिक इसका है बहुत ही सिंपल. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रास की तरह ग्रीन, तो ग्रास का मतलब आप नहीं जानते, तब आप कैसे समझेंगे? छोटा सा ट्रिक है. पहला जो आपने एज यूज किया, उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप वेरी में, और आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा. आपका हो जाएगा वेरी, एज के बदले आपने वेरी कर दिया, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीन, वेरी ग्रीन, बहुत ज्यादा ग्रीन, बहुत ज्यादा हरा. तो फिगर ऑफ स्पीच में जब भी आपको प्रॉब्लम हो, आप पहले एज को वेरी में कन्वर्ट करके उसके मीनिंग को समझ सकते हैं. फिगर ऑफ स्पीच का यूज कहां होता है? जैसा कि आप जानते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकारिक भाषा, ऑर्नामेंटल इंग्लिश. अगर आप सिंपल इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप कोई भी सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अपनी भाषा को अलंकारिक बनाना चाहते हैं, ऑर्नामेंटल बनाना चाहते हैं, तो आपको फिगर ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ेगी. बिना फिगर ऑफ स्पीच का आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते. फिगर ऑफ स्पीच आपके सिंपल इंग्लिश को एक ब्यूटीफुल इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फाइन, आप इसका फिगर ऑफ स्पीच यूज करके बोल सकते हैं आई एम एज फिट एज फिटल, मीन्स आई एम वेरी फाइन. बट आपकी इंग्लिश सिर्फ एज फिट एज फिटल बोलने से डिफरेंट लग रही है. तो चलिए कुछ हम लोग सिमिलीज देखते हैं. नंबर वन, As grey as a smoke, meaning होगा very grey, बहुत ज्यादा green. Next, as sharp as needle, means very sharp, बहुत ज्यादा sharp. Next, as smooth as butter, या as soft as butter, means very soft, very smooth. Next, as white as snow, means very white, बहुत ज्यादा white. नेक्स्ट, एज ब्राइट एज सिल्वर, मतलब होगा वेरी ब्राइट. नेक्स्ट, एज लाइट एज अ फीदर, मीन्स बहुत ज्यादा हल्का. लाइट का मतलब होता है हल्का, तो वेरी लाइट, बहुत हल्का. नेक्स्ट, एज फेथफुल एज अ डॉग, यहां पर होगा मीनिंग वेरी फेथफुल, बहुत ही वफादार. नेक्स्ट, एज ब्रेव एज अ लायन, मीन्स वेरी ब्रेव, बहुत ज्यादा ब्रेव, बहादुर. नेक्स्ट, As cruel as death, means very cruel, बहुत ही निर्दय. Next, as bold as an egg, यहां BALD का pronunciation होगा bold, इसको आप लोग bald नहीं पढ़ेंगे, गलत होगा. BOLD को bold पढ़ा जाता है और BALD को bold पढ़ा जाता है. तो as bold as an egg का मतलब होगा very bold, बहुत ज्यादा गंजा. Next, As red as blood, means very red, बहुत ज्यादा लाल. Next, as regular as clock, means very regular, जो बहुत ही नियमित होगा, क्या बोलेंगे? He is as regular as clock. Next, as simple as ABC, means very simple, बहुत ही आसान. Next, as hungry as wolf, बहुत ज्यादा भूखा, very hungry. Next, as meek as lamb, means very meek, बहुत ज्यादा सज्जन. Next, as cheap as dirt, means very cheap, बहुत ही सस्ता. Next, as dear as life, means very dear, बहुत ही प्यारा. Next, as fast as light, light की तरह fast, means very fast, बहुत तेज. Next, as deep as an ocean, means very deep, बहुत ही गहरा. Next, As black as crow, means बहुत ज्यादा black, very black, बहुत काला. Next, as blind as a bat, means
बहुत ज्यादा ब्लाइंड, वेरी ब्लाइंड. नेक्स्ट एज डीप एज अ पोस्ट मीन्स बहुत ज्यादा डीप, बहरा. डीप मीन्स बहरा. डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.